तो आज हम लोग स्विचिंग करेंगे, ठीक है। राउटर्स राउटिंग हम लोग देख चुके हैं, राइट। तो आज हम लोग स्विचिंग देखेंगे। स्विचिंग में पहला जो चैप्टर हम लोग का होगा वो है विलेन, ठीक है, विलेन। अभी स्विचिंग क्या है, ध्यान से आगे यहाँ पर अगर मैं एक बार लिख देता हूँ, देखिए ये जो स्विचेस है, ठीक है, आप स्विचेस को ऐसा कर सकते कि इसको आप तीन कैटेगरी में आप इसको डिवाइड कर लीजिए, तो आपको समझ में आएगा पूरा चीज़, ठीक है। स्विचेस क्या होता है, एक मल्टीपोर्ट डिवाइस होता है कि नहीं, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल डिवाइस को हम लोग कनेक्ट करते हैं। ऐसा स्विच रहता है और स्विच का अंदर में ऐसा पोर्ट भी रहता है, और इस पोर्ट के साथ हम लोग कंप्यूटर हो, कोई भी एंड डिवाइस हो, उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। नॉर्मली इथरनेट पोर्ट होता है, राइट। तो स्विचेस को अगर तीन कैटेगरी में आपको डिवाइड करना है, तो वो कैटेगरी क्या होगा, पहला कैटेगरी हो गया मेरा नॉर्मल स्विच। नॉर्मल स्विच मतलब क्या हो गया, ये जो नॉर्मल स्विच है इसमें हम लोग कुछ मैनेज कर नहीं सकते, राइट। ये बहुत ही लो कॉस्ट में हम लोग का, मतलब चीप प्राइस में हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। बहुत सारा वेंडर है, ठीक है, डी लिंक हो गया, टिपल लिंक हो गया, ठीक है, इन सब का स्विच आता है मार्केट में, नॉर्मल स्विच है। बस आप स्विच खरीदिए, उसको उसमें आप पावर दीजिए, जो भी अडेप्टर से आपको पावर देना है, और पीसी को कनेक्ट कर दीजिए, आपका स्विच वर्किंग करेगा। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मुझे हर एक पोर्ट को कॉन्फ़िगर करना है, इफ़ यू वांट टू कॉन्फ़िगर ईच एंड एवरी पोर्ट इन द स्विच, तो और एक टाइप का स्विच होता है जो हम लोग अभी सीसीएन में देखेंगे, वो क्या है, मैनेजेबल स्विच। वो क्या है, मैनेजेबल स्विच। मैनेजेबल स्विच में क्या होता है, जैसे राउटर का अंदर आईओएस होता है ना, जैसे राउटर का अंदर आईओएस होता है, ठीक है, वहाँ पर एक मतलब वही उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है आईओएस, तो इस स्विच का अंदर भी एक मेरा क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, आईओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक राउटर का तरह ही हम लोग स्विच को भी सीएलआई मोड में हम लोग कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करके अगर हम लोग चाहें तो ईच एंड एवरी पोर्ट को हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। क्या कॉन्फ़िगर करते हैं वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग नॉर्मल चीज़ देखते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ स्विच इज मल्टी लेयर स्विच, ठीक है। अब ये मल्टी लेयर स्विच क्या है, इसको समझने के लिए आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा, ये जो मेरा नॉर्मल जो मेरा स्विच होता है, ठीक है, ये स्विच लेयर टू में काम करता है। स्विच जो डिवाइस है ये लेयर टू में काम करता है। लेयर टू क्या है, डेटा लिंक लेयर है, राइट। लेयर टू क्या है, डेटा लिंक लेयर है। राउटर जो है वो लेयर थ्री में काम करता है। वैसा ही मॉडल का लेयर टू में हम लोग का स्विच जो डिवाइस है वो लेयर टू डिवाइस हो गया। मल्टी लेयर स्विच क्या होता है, मल्टी लेयर स्विच मतलब ये दो लेयर में काम करता है। दो लेयर में काम करने का मतलब क्या है, ये लेयर टू को भी सपोर्ट करता है, प्लस ये लेयर थ्री को भी सपोर्ट करता है। समझ में आ गया, मल्टी लेयर स्विच लेयर टू को भी सपोर्ट करता है और लेयर थ्री को भी सपोर्ट करता है। मतलब स्विचिंग का काम भी इसमें होता है, वो स्विच स्विचिंग का भी काम होता है, और उसमें राउटिंग का भी हम लोग काम कर सकते हैं। मतलब स्विच राउटर का भी काम करता है। समझ में आ गया, ठीक है। तो हम लोग को जो आज पढ़ना है वो है मैनेजेबल स्विच को लेके हम लोग पढ़ेंगे। पहले एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं कि ये जो स्विच होता है, ये इसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि स्विच कैसे काम करता है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि इस स्विच में मेरा सपोज मान लीजिए कुछ पोर्ट्स है, ठीक है, मैं कुछ पोर्ट्स यहाँ पर बना ले रहा हूँ, और इधर मेरा कुछ कंप्यूटर्स है, राइट, एक दो तीन चार, राइट। तो ये मेरा चार सिस्टम हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए पीसी वन है, ठीक है, ये मान लीजिए पीसी टू है, ये मान लीजिए हम लोग का पीसी थ्री है, और ये मेरा पीसी फोर है।
नॉर्मल कनेक्शन क्या होगा अगर हम लोग नॉर्मली कनेक्ट कनेक्ट करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इस पीसी का साथ इस स्विच का जो भी इंटरफेस होगा किसी भी इंटरफेस का साथ हम लोग इसका कनेक्शन कर देगा, राइट और रॉन्ग, ठीक है। अब जब ये कंप्यूटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करेगा तो हम लोग क्या करते हैं, विथ आईपी एड्रेस हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, राइट और रॉन्ग। तो यहाँ पर चलो मैं यहाँ पर कुछ आईपी एड्रेस लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला पीसी का आईपी एड्रेस है 10.0.0.1, ठीक है। दूसरा पीसी का आईपी एड्रेस है 10.0.0.2। तीसरा पीसी का आईपी एड्रेस है 10.0.0.3 और चौथा पीसी का आईपी एड्रेस है 10.0.0.4। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। और एक एड्रेस होता है जब हम लोग एड्रेसिंग पढ़े थे, आईपी एड्रेस हो गया मेरा फिजिकल एड्रेस, राइट और रॉन्ग। मैं लिख दूँ यहाँ पर आईपी एड्रेस क्या हो गया, मेरा फिजिकल एड्रेस, समझ में आ रहा है। और एक टाइप का एड्रेस होता है जो होता है लॉजिकल एड्रेस, वो क्या होता है, मैक एड्रेस होता है। मैं मान लेता हूँ, आप मान के चलिए इसका मैक है AA, ठीक है। पहला मशीन का मैक एड्रेस है AA, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, इसका BB। तीसरा मशीन का मैक एड्रेस है CC और इस मशीन का मैक एड्रेस है DD, ठीक है। ये मेरा क्या है, लॉजिकल एड्रेस है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अच्छा, अभी फिजिकल एड्रेस जो होता है, फिजिकल एड्रेस मेरा लेयर 3 में काम करता है। मतलब फिजिकल एड्रेस को लेके कौन कौन काम करता है, राउटर जो है वो फिजिकल एड्रेस को पढ़ सकता है, राइट। और लॉजिकल एड्रेस जो है ये मेरा लेयर 2 में काम करता है, लॉजिकल एड्रेस इज लेयर 2 एड्रेस। अब स्विच क्या है, स्विच लेयर 2 डिवाइस है, तो स्विच कौन सा एड्रेस लेके काम करेगा, लॉजिकल एड्रेस लेके काम करेगा, समझ में आ गया। तो लेयर 2 एड्रेस लेके स्विच काम करते हैं, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? नहीं आया, आ गया। अभी सपोज PC1 क्या करना चाहते हैं, PC1 wants to communicate with PC4, PC1 PC4 का साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ से पिंग करता हूँ, पिंग PC10.0.0.4, तो पिंग रिप्लाई आएगा। लेकिन जब मैं पिंग कर रहा हूँ, मेरा कमांड क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मेरा कमांड है पिंग 10.0.0.4, यही तो है ना। लेकिन वो जो मतलब ये जो पिंग रिक्वेस्ट है, ये पैकेट कहाँ पर फॉरवर्ड होगा, ये फ्रेम स्विच के पास जाएगा, लेकिन स्विच तो इसको पढ़ नहीं पाएगा, ये तो लेयर 3 एड्रेस है, मैंने पहले ही बोल दिया। स्विच क्या है, ये जो नहीं, स्विच लेयर 2 एड्रेस को पढ़ सकता है, लेकिन ये एड्रेस क्या है, लेयर 3 एड्रेस है, स्विच इसको पढ़ नहीं पाएगा, तो फिर कम्युनिकेशन कैसे होता है, समझ लीजिए। जब मेरा फ्रेम यहाँ से स्विच का पास जाएगा, वहाँ पर दोनों एड्रेस रहेगा, मतलब ये PC1 से जब मैं PC4 को पिंग करूँगा, यहाँ पर दोनों एड्रेस ही रहेगा, एक मेरा रहेगा लॉजिकल एड्रेस और एक मेरा रहेगा क्या, फिजिकल एड्रेस, समझ में आ गया? नहीं आया, ओके। यहाँ पर क्या होगा, मेरा एक फिजिकल एड्रेस होगा, ठीक है, और इसका साथ मेरा लॉजिकल एड्रेस भी रहेगा, फिजिकल एड्रेस किसका रहेगा, ध्यान से देखना, ये जो फिजिकल एड्रेस है और लॉजिकल एड्रेस है, ये दोनों का रहेगा, सोर्स का भी रहेगा, डेस्टिनेशन का भी रहेगा, समझ में आ गया। मान लीजिए मैं यहाँ पर थोड़ा फ्रंट साइज चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड 10 कर लेता हूँ। सोर्स एड्रेस क्या है कि 10.0.0.1 पिंग करना चाहता है, किसको पिंग करना चाहता है, 10.0.0.4 को पिंग करना चाहता है, समझ में आ गया।
तो फिजिकल एड्रेस आ गया यहाँ पर, तो ये मेरा सोर्स एड्रेस है कि नहीं, दिस इज माई सोर्स, ठीक है। और किसको पिंग करेगा, ये ऑलरेडी यूजर वहां पर मेंशन कर देगा कि 10.0.0.4 को आप पिंग करो, मतलब ये यूजर ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को, है कि नहीं इंफॉर्मेशन। अच्छा यहां पर अगर देखा जाए लॉजिकल एड्रेस का सोर्स क्या होगा, लॉजिकल एड्रेस क्या है, AA, राइट, AA क्या है, मेरा सोर्स एड्रेस है ऑफ PC1, राइट। लेकिन क्या यूजर को या मशीन को पता है इसका लॉजिकल एड्रेस क्या है, नहीं पता है। तो ये वाला फील्ड मेरा ब्लैंक रहेगा, समझ में आ रहा है। तो यहां पर क्या होता है, पहले आप प्रोसेस जान लीजिए। तो मेरा पीसी क्या करेगा, ये वाला फील्ड हम लोग ब्लैंक छोड़ नहीं सकते, आई मस्ट नो व्हाट इज द लॉजिकल एड्रेस और मैक एड्रेस ऑफ PC4, ये मुझे पता करना पड़ेगा। यहाँ पर लॉजिकल एड्रेस है, मैं PC4 का मैक एड्रेस डालूंगा, उसका बाद ही मेरा फ्रेम यहाँ से स्विच के पास जाएगा, समझ में आ गया। तो यहाँ पर एक प्रोटोकॉल काम करता है जिसका नाम है ARP, क्या क्या नाम है, फुल फॉर्म क्या है, एड्रेस एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ARP। ARP का काम क्या है, ARP एक ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है। ARP क्या है, ARP एक ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है। PC1 एक ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करेगा किसके लिए, 10.0.0.4 के लिए करेगा। अब ये मैं ऑरेंज कलर में आपको दिखा रहा हूं, ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है, ये हर किसी के पास पहुंचेगा, ये जो ARP मैसेज है PC1 से किसके पास जाएगा, स्विच का पास जाएगा। स्विच क्या देखा कि ये एक ब्रॉडकास्ट मैसेज है, स्विच ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट करता है, वो क्या करेगा, उस ब्रॉडकास्ट मैसेज को हर एक एक्टिव पोर्ट का तरफ वो फॉरवर्ड कर देगा, राइट। जितना भी एक्टिव पोर्ट होगा स्विच में, हर एक पोर्ट में वो फॉरवर्ड कर देगा। अब ब्रॉडकास्ट मैसेज किसके लिए है, 10.0.0.4 के लिए है। अब ये क्या ब्रॉडकास्ट है, ARP ब्रॉडकास्ट है। तो जब वो PC4 का पास आएगा, इमीडिएट PC4 क्या करेगा, उसका जो मैक एड्रेस है वो जिस एड्रेस से ARP आया था उस एड्रेस में वो रिप्लाई करेगा, समझ में आ गया कि भाई मेरा मैक है DD और ये मैक एड्रेस यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, दोबारा समझाऊ, समझ में आ गया। तो ARP ब्रॉडकास्ट क्या करता है, IP एड्रेस से किसी भी कंप्यूटर का मैक को वो फाइंड आउट करता है। ARP ब्रॉडकास्ट का काम क्या है, टू रिजॉल्व मैक एड्रेस यूजिंग द IP एड्रेस, समझ में आ गया। अब यहां पर मेरा क्या हो गया, सारा फील्ड तैयार हो गया, राइट। अब मैं क्या चाहता हूं कि इसको, अब मुझे इसको पिंग करना है कि नहीं, मुझे इसको पिंग करना है, किसको किसको पिंग करना है, 10.0.0.4 को, ध्यान से देखना। अब जब मुझे इसको पिंग करना है, एक सेकेंड, ये फ्रेम इस PC से कहां पर पहुंचेगा, स्विच में पहुंचेगा, स्विच में, ठीक है। PC ने पिंग किया 10.0.0.4 को, ये जो फ्रेम है ये ट्रांसफर होगा स्विच का पोर्ट में। अब स्विच क्या करेगा, ये पूरा एड्रेस में वो सिर्फ क्या देखेगा कि किससे आया है, व्हाट इज द, वो सिर्फ लॉजिकल एड्रेस को देखेगा, उसको फिजिकल एड्रेस से कोई मतलब नहीं है। स्विच विल ओनली रीड द लॉजिकल एड्रेस, क्योंकि लॉजिकल एड्रेस मेरा Layer 2 एड्रेस है और स्विच एक Layer 2 डिवाइस है। मैंने पहले ही बोल दिया स्विच क्या है, एक Layer 2 डिवाइस है और एक Layer 2 डिवाइस सिर्फ Layer 2 एड्रेस को ही पढ़ सकता है, समझ में आ गया। तो स्विच जब लॉजिकल एड्रेस को देखेगा, पहले तो वो देखेगा कि ये फ्रेम किससे कहां से आया है, ठीक है। नेक्स्ट वो जो रीड करेगा, इस फ्रेम को कहां फॉरवर्ड करना है, ध्यान से देखना, DD में फॉरवर्ड करना है कि नहीं। लेकिन क्या इस स्विच को पता है कि ये लॉजिकल, ये जो मैक एड्रेस है ये कौन सा पोर्ट का साथ एसोसिएटेड है, ये जो DD जो मैक एड्रेस है ये कौन सा पोर्ट का साथ एसोसिएटेड है, क्या स्विच को पता है, नहीं पता है। जब स्विच का पास इंफॉर्मेशन नहीं होगा कि उसका डेस्टिनेशन एड्रेस कहां पर है, तो वो दोबारा क्या करेगा, अब मैं ब्लू लाइन से इसको मैं समझा रहा हूं। ये पिंग रिक्वेस्ट गया यहां पर, यहां से स्विच का पास गया,
स्विच ने देखा कि डेस्टिनेशन क्या है, डीडी है, लॉजिकल एड्रेस पर है, उसको पता नहीं कि ये डीडी जो लॉजिकल एड्रेस है ये कौन सा पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है। ये दोबारा क्या करेगा, उसको हर एक पोर्ट में फॉरवर्ड कर देगा, जितना भी एक्टिव पोर्ट है दोबारा इसको ब्रॉडकास्ट कर देगा। समझ में आया? अब जिसके लिए ये पैकेट होगा PC2 PC3 PC4 जिसके लिए भी ये फ्रेम होगा वो रिसीव कर लेगा, बाकी जो ब्रॉडकास्ट बाकी पीसी के पास जा रहा है वो क्या करेगा, उस ब्रॉडकास्ट को डिस्कार्ड कर देगा। समझ में आ गया ऑपरेशन क्या है, स्विच कैसे काम करता है? तो देखो ये पूरा चीज में कितना बार ब्रॉडकास्ट हुआ आप लोग को दिख रहा है ना, ठीक है। अब ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के लिए बढ़िया नहीं है, ब्रॉडकास्ट इज नॉट गुड फॉर नेटवर्क, ये मैं पहले भी आप लोग को बोल चुका हूँ। ब्रॉडकास्ट क्या है, एक यूजलेस ट्रैफिक है, एक ऐसा ट्रैफिक जो जो हर किसी के पास पहुंच रहे हैं लेकिन वो सबके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी हर किसी के पास पहुंच रहा है। एक नेटवर्क में जितना ज्यादा ब्रॉडकास्ट होगा उस नेटवर्क का परफॉर्मेंस उतना ज्यादा डाउन होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया? तो स्विच में एक फीचर्स है, स्विच एक टेबल मेंटेन करता है, ध्यान से देखना, जिस टेबल का नाम है कैम टेबल, उस टेबल का नाम क्या है, कैम टेबल। कैम का फुल फॉर्म क्या है, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, ठीक है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, कैम का फुल फॉर्म है कंटेंट, CONTE। अब देखो यहां पर जैसे मैंने लिखा कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, इसका मतलब क्या है, ये एक वन टाइप ऑफ मेमोरी जो स्विच में है, ये एक टेम्पररी मेमोरी है, ठीक है, दिस इज नॉट अ परमानेंट मेमोरी, ये टेम्पररी मेमोरी है। इसमें क्या होता है, स्विच क्या करता है, जितना भी स्विच का पोर्ट है, सपोज मान लो यहां पर मेरा चार पोर्ट है POR T, यहां पर मैं पोर्ट का नंबर यहां पर मैं लिख रहा हूं POR T, ये मान लो मेरा पोर्ट नंबर 1 है, ये मान लो मेरा पोर्ट नंबर 2 है, ये पोर्ट नंबर मेरा 3 है और ये मेरा पोर्ट नंबर 4 है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हर एक पोर्ट का एंट्री वो यहाँ पर करेगा कि हर एक पोर्ट में कौन कौन सा मैक एड्रेस एसोसिएटेड है। समझ में आ गया? अब जब मैं एक स्विच को पहला बार ऑन करूंगा तो उसका कैम टेबल एम्प्टी होगा, उसका कैम टेबल में कोई एंट्री नहीं होगा। जैसे जैसे मेरा नेटवर्क में पैकेट फॉरवर्ड होता रहेगा वैसे वैसे कैम टेबल अपडेट हो जाएगा। जैसे कि PC1 ने, ध्यान से देखना, PC1 ने PC4 को डेटा सेंड किया, ठीक है, जब वो डेटा सेंड किया था तब वो अपना भी अपना मैक एड्रेस डाला था और जिसको सेंड कर रहा है डेस्टिनेशन का भी मैक एड्रेस डाला था। तो स्विच क्या करता है, हमेशा इनकमिंग पैकेट को देखता है, इनकमिंग पैकेट मतलब जो पैकेट उसका पास जा रहा है, जो पैकेट जा रहा है वहां पर वो हमेशा सोर्स मैक एड्रेस को देखेगा। वो उसको पता चल गया कि जब ये पैकेट पिंग वाला रिक्वेस्ट इसका स्विच के पास पहुंचा था तो सोर्स मैक एड्रेस को देखा कि ये पोर्ट नंबर 1 में कौन सा मैक से ट्रैफिक आया है, AA, तो वो अपना कैम टेबल में इसको वो क्या कर लेगा, एंट्री कर लेगा। एक वक्त आया जब PC4 ने भी रिप्लाई बैक किया PC1 को, जब PC4 ने रिप्लाई बैक किया था तो PC4 का सोर्स मैक एड्रेस क्या होगा, DD होगा। समझ में आ रहा है ना? तो फिर स्विच उसको रीड करेगा, इस पोर्ट में जो ट्रैफिक आ रहा है उसका सोर्स मैक एड्रेस क्या है, उसको दिखा DD, इसका कैम टेबल आ गया, ठीक है। इसी तरह PC2 PC3 भी कुछ कम्युनिकेशन करेगा एक दूसरे से या किसी और PC से। एक वक्त होगा जब मेरा ये कैम टेबल पूरा पूरी प्रिपेयर हो जाएगा, BB मान लो CC, ठीक है। जब ये मेरा पूरा कैम टेबल प्रिपेयर हो जाएगा अब ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी अगर मेरा PC1 PC4 को डेटा सेंड करना चाहता है तो यही वाला, सपोज मैं मान लेता हूँ पिंग करने का कोशिश कर रहा है तो ये वाला जाएगा फ्रेम यहाँ पर स्विच का पास। स्विच क्या देखेगा, ध्यान से देखना प्रोसेस क्या है, कि जो फ्रेम उसका पास आया है
उसमें जो सोर्स लॉजिकल एड्रेस है वो क्या है, ए ए। कैम ट्विल में जाके देखेगा यहाँ पर ए ए है, उसको वो रिफ्रेश कर लेगा, रिफ्रेश कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेगा कि डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, डी डी है, तो वो अपना कैम ट्विल में ढूंढेगा। कैम ट्विल में उसको मिल गया कि डी डी जो है ये पोर्ट नंबर 4 से एसोसिएटेड है, तब वो ब्रॉडकास्ट नहीं करके वो क्या करेगा, डायरेक्ट पोर्ट नंबर 4 में उस ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर देगा। समझ में आ गया? लेकिन मान लो सपोज में, तो यहाँ पर तो ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्रॉडकास्ट खत्म हो गया, ब्रॉडकास्ट आगे भी हो सकता है। कोई अननोन डेस्टिनेशन के लिए पैकेट सेंड हुआ, मान लो यहाँ पर पीसी वन ने सपोज 10.0.0.40 को पैकेट भेज रहा है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कुछ ऐसा पीसी है जिसका आईपी नेटवर्क में 10.0.0.40 है, और उसका जो लॉजिकल एड्रेस है, उसका लॉजिकल एड्रेस समथिंग मान लो कुछ ऐसा है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, उसका एड्रेस क्या है, ई, ठीक है, ई ई आर पी के थ्रू पता चला कि उसका मैक एड्रेस क्या है। अभी क्या होगा, स्विच का पास ये पहुंचेगा फ्रेम, स्विच लॉजिकल एड्रेस को रीड करेगा, सोर्स एड्रेस ए ए उसको मिला है मैक एड्रेस, वो क्या करेगा, इस पोर्ट में जाके देखेगा क्या है एड्रेस ए ए, उसको रिफ्रेश कर लेगा, फिर जाके वो अपना डेस्टिनेशन एड्रेस को रीड करेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है ई ई, तो वो फिर ढूंढेगा यहाँ पर कि क्या उसको पता है कि ये ई ई जो मतलब मैक एड्रेस है ये कौन सा पोर्ट का साथ एसोसिएटेड है, तो यहाँ पर उसको नहीं मिलेगा। अगर उसका कैम ट्विल में एंट्री नहीं होगा तो वो पैकेट को ड्रॉप नहीं करेगा, दोबारा वो ब्रॉडकास्ट कर देगा। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड अननोन यूनिकास्ट। इस ब्रॉडकास्ट को बोला जाता है अननोन यूनिकास्ट। अननोन यूनिकास्ट का मतलब क्या है, स्विच का पास ये पता ही नहीं है कि जिस मैक एड्रेस में उसको फॉरवर्ड करना है, वो मैक एड्रेस अगर उसका कैम ट्विल में एंट्री नहीं होगा, वो दोबारा वो हर एक पोर्ट में वो ब्रॉडकास्ट कर देगा। समझ में आया ना? तो इस ब्रॉडकास्ट जो है, इस ब्रॉडकास्ट को रोकने के लिए एक टॉपिक हम लोग आज करेंगे कि ब्रॉडकास्ट को कैसे हम लोग रोक सकते हैं, या फिर कैसे उसका ब्रॉडकास्ट डोमेन का साइज को कैसे हम लोग लिमिट कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? तो यहीं पर, यहाँ पर ऐसा ही कुछ चीज़ दिखाया गया है कि मान लो एक स्विच है, पीसी वन पीसी फोर को कॉन्टैक्ट करना चाहता है, ये ब्लू कलर का लाइन क्या है कि पीसी वन ने पैकेट भेजा स्विच वन को, स्विच वन को पता नहीं है पीसी फोर कहाँ पर है, तो उसका मैक एड्रेस क्या है, तो वो क्या करेगा, सबको पैकेट फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है, ब्रॉडकास्ट कर दिया, ठीक है। अभी ये तो एक स्विच का कहानी हुआ, अभी मान लो एक बड़ा नेटवर्क है जहाँ पर मेरा 20 स्विच 30 स्विच एक दूसरे से कनेक्टेड है, हो सकता है ना, तो जितना ज़्यादा स्विच में कनेक्शन करूँगा उतना मेरा ब्रॉडकास्ट मतलब जो डोमेन है उसका साइज भी मेरा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, सपोज सिनेरियो में कुछ यहाँ पर ऐसा किया कि मान लो यहाँ पर और एक स्विच कनेक्टेड है, पीसी वन पीसी फोर को कनेक्ट करना चाहता है, और ये स्विच वन और स्विच टू एक दूसरे से कनेक्शन मतलब कनेक्टेड है, ठीक है, कुछ केबल कनेक्शन के थ्रू वो भी कनेक्टेड है, इधर भी कुछ सिस्टम्स है। तो पीसी वन पीसी फोर को कनेक्ट कर रहा था, स्विच वन को ये पता नहीं है कि पीसी फोर का जो मैक एड्रेस है उसका कैम ट्विल में एंट्री नहीं है, तो उसने क्या क्या ब्रॉडकास्ट किया, स्विच वन में हर एक एक्टिव पोर्ट में ब्रॉडकास्ट किया, ये भी तो एक एक्टिव पोर्ट है, यहाँ से ब्रॉडकास्ट इसका पास आया, इसने क्या देखा कि एक ब्रॉडकास्ट है, तो वो भी क्या क्या सबको ब्रॉडकास्ट कर दिया। ऐसे अगर मेरा 20 स्विच हुआ, यहाँ पर मैं दो स्विच का एग्जांपल दिया, अगर 30 स्विच हुआ, और मान लो कि अगर हर एक टाइम हर एक पीसी से अगर पैकेट जा रहा है और हर एक पैकेट अगर ब्रॉडकास्ट हो रहा है, एक मेरा मान लो कि 100 सिस्टम का एक नेटवर्क है, ठीक है, देयर आर 100 सिस्टम इन द नेटवर्क, और हर कोई ब्रॉडकास्ट कर रहा है, मतलब हर एक जो फ्रेम है पैकेट है वो हर किसी के पास पहुँच रहा है, तो क्या होगा, इतना ज्यादा ब्रॉडकास्ट होगा कि मेरा नेटवर्क ही हैंग हो जाएगा, ठीक है। आप लोग का ऐसे में होता है ऐसा ना, जब ब्रॉडकास्ट आता है पूरा स्विच हैंग हो जाता है, राइट? राइट।
तो इस ब्रॉडकास्ट को हम लोग कैसे रोक सकते हैं? देखिए यहाँ पर लिखा है, एज द नंबर ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस इंक्रीजेस इन द नेटवर्क, कि जितना ज़्यादा नेटवर्क डिवाइस मेरा बढ़ेगा मेरा नेटवर्क में, द साइज ऑफ द ब्रॉडकास्ट डोमेन ऑल्सो इंक्रीजेस, जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है उसका साइज भी बढ़ रहा है। समझ में आ गया? तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि कुछ ऐसा डिवाइस को हम लोग यूज कर सकते हैं जो ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है? वी कैन यूज सच डिवाइस दैट डजेंट सपोर्ट ब्रॉडकास्ट। वो क्या है? इसको हम लोग सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन बोलते हैं। ये हम लोग एक सिंगल, एक ही है ना ब्रॉडकास्ट डोमेन, किसी भी पोर्ट में ब्रॉडकास्ट होगा सबका पास ब्रॉडकास्ट पहुंचेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है, देखो राउटर एक डिवाइस है जो कभी भी ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट नहीं करता है। अगर राउटर का पास कोई ब्रॉडकास्ट आएगा तो राउटर जब भी देखेगा वो ब्रॉडकास्ट है उसको तुरंत क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा पैकेट को, एज बिकॉज लेयर थ्री डिवाइस डजंट सपोर्ट ब्रॉडकास्ट, ओनली लेयर टू डिवाइस सपोर्ट ब्रॉडकास्ट। समझ में आ गया, ठीक है? लेयर थ्री डिवाइस डजंट सपोर्ट ब्रॉडकास्ट। तो यहाँ पर देखते हैं सिनेरियो क्या है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते तो समझ में आएगा। चलो तो यहाँ पर जो ऊपर वाला सिनेरियो में था कि स्विच वन में अगर मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, स्विच वन में अगर मेरा ब्रॉडकास्ट जनरेट हो रहा है, अदर स्विचेस में भी वो ब्रॉडकास्ट क्या हो रहा था, फॉरवर्ड हो रहा था, राइट? तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते, ये दो स्विच के बीच में एक राउटर हम लोग लगा सकते, ठीक है? अगर स्विच वन में कोई ब्रॉडकास्ट होगा, मैं मान लेता हूं कि स्विच वन में कोई ब्रॉडकास्ट जनरेट हुआ, ठीक है, तो वो ब्रॉडकास्ट क्या करेगा, स्विच वन हर एक एक्टिव पोर्ट में उसको फॉरवर्ड करेगा, मतलब वो ब्रॉडकास्ट ये चार पीसी तक पहुंचेगा और ये राउटर तक भी पहुंचेगा, राइट? और लेकिन राउटर जब देखेगा कि इसका पास एक ब्रॉडकास्ट आया है, वो इमीडिएट क्या करेगा, उस ब्रॉडकास्ट को इस इंटरफेस में ड्रॉप कर देगा, मतलब ये ब्रॉडकास्ट आगे फॉरवर्ड नहीं होगा। समझ में आ गया? तो यहां पर मेरा क्या हुआ, अगर इधर ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो वो स्विच वन में ही होगा, अगर स्विच टू में कोई ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो वो सिर्फ स्विच टू में ही रहेगा। तो यहां पर क्या है, दीज आर टू सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन, ये दो सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन हम लोग तैयार कर सकते हैं। लेकिन सोचो क्या हर एक दो स्विच का बीच में सिर्फ ब्रॉडकास्ट को रोकने के लिए एक राउटर हम लोग लगा सकते हैं? राउटर का भी तो एक मतलब हाई कॉस्टली डिवाइस है, हाई प्राइस डिवाइस है, सिर्फ ब्रॉडकास्ट को रोकने के लिए, राउटर का और भी बहुत ज्यादा काम है, लेकिन सिर्फ ब्रॉडकास्ट को रोकने के लिए क्या हम लोग सिर्फ राउटर यूज कर सकते हैं? ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव क्या होगा, एक स्ट्रेटेजी होगा। तो इसके लिए सिस्को ने एक नया चीज को इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है VLAN, वर्चुअल लैन। अब यह वर्चुअल लैन क्या है, वर्चुअल लैन मतलब ये हो गया कि मान लो कि ये एक स्विच है, ठीक है? हम लोग का जब एक ऑफिस में हम लोग काम करते हैं तो वहाँ पर मल्टीपल डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट हो गया, फिनेंस का डिपार्टमेंट हो गया, आईटी डिपार्टमेंट हो गया, तो हर एक डिपार्टमेंट का कंप्यूटर इस स्विच से कनेक्टेड है कि नहीं? अगर ये मल्टीपोर्ट स्विच होगा, मान लीजिए ये 48 पोर्ट का स्विच है, ठीक है, तो उससे भी ज़्यादा पोर्ट का स्विच आता है मार्केट में। तो यहाँ पर क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, इस स्विच को वर्चुअली आप डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर सकते हैं, स्विच एक ही स्विच रहेगा बट यू कैन डिवाइड द स्विच वर्चुअली। कैसे, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। आप इस स्विच को वर्चुअली डिवाइड कर सकते हैं कि सेल्स का जो पीसी होगा वो इसी स्विच से कनेक्टेड है, लेकिन वर्चुअली क्या है, उसका ट्रैफिक सिर्फ उसी का बीच में रहेगा, सेल्स का ट्रैफिक अकाउंट्स में नहीं जाएगा, अकाउंट्स का ट्रैफिक मार्केटिंग में नहीं जाएगा, अगर मार्केटिंग में कोई ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो वो मार्केटिंग में ही रहेगा। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, पहले क्या था, किसी एक डिपार्टमेंट में ब्रॉडकास्ट हुआ और सारा डिपार्टमेंट में ब्रॉडकास्ट पहुंच गया, राइट? और तो अभी क्या कर रहे हैं आप, ब्रॉडकास्ट डोमेन का साइज जो है वो आप छोटा कर रहे हैं। समझ में आ गया ना? ये डायग्राम को देखिए पहले, अगर समझ में नहीं आ रहा है, ये एक स्विच है, ठीक है? इस स्विच में मैंने क्या किया, दो VLAN क्रिएट किया, एक का नाम दिया VLAN 2, एक का नाम दिया VLAN 3।
अभी आप बोलोगे सर अब विलेन वन ये नेम आप क्यों नहीं यूज किया, व्हाई डिडंट यू यूज विलेन वन? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हर एक स्विच में विलेन वन बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होता है। ध्यान से देखिएगा, मैं पैकेट ट्रेसर में आपको दिखा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक स्विच ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसका सी एल आई मोड में हम लोग चलते हैं। उसी तरह इनेबल करके हम लोग यहाँ पर करेंगे शो विलेन ब्रीफ, एक कमांड मैं सब कमांड सिखा दूंगा, मैं अभी दिखा रहा हूँ आप लोग को। देखिए यहाँ पर एक विलेन आपको दिख रहा है, विलेन वन, इसको बोला जाता है विलेन आईडी। ये विलेन क्या है, डिफॉल्ट विलेन लिखा है ना यहाँ पर। ये विलेन तो मैंने नहीं बनाया, अभी मैंने तुरंत स्विच में यहाँ पर बाई डिफॉल्ट एक विलेन बनाया हुआ है। और यहाँ पर देखिए इस स्विच में टोटल 24 पोर्ट है। यहाँ पर अगर आप जूम इन करते देखिए यहाँ पर कितना स्विच है, 2950 सीरीज का स्विच है। यहाँ पर क्या है, टोटल 24 पोर्ट है, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए FA01 से लेके फास्ट इथरनेट 01 से लेके फास्ट इथरनेट 0/24, ये ऑल टोटल 24 पोर्ट्स जो है ये सब विलेन वन का अंडर में आता है, राइट और रॉन्ग, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी स्विच के पास कोई ट्रैफिक जाएगा तो स्विच देखेगा जो ट्रैफिक जा रहा है वो कौन सा पोर्ट में जा रहा है, वो देखा FA01 में वो रिसीव कर रहा है। ध्यान से समझना, तो FA01 कौन सा विलेन का मेंबर है, विलेन वन का मेंबर है। तो अगर उस ट्रैफिक को वो फॉरवर्ड करेगा तो उसी पोर्ट में करेगा जो पोर्ट विलेन वन का मेंबर होगा। अभी 24 पोर्ट है तो वो 24 पोर्ट में वो क्या कर सकता है, ट्रैफिक फॉरवर्ड कर सकता है, समझ में आ गया। लेकिन मैंने अभी क्या बताया, तो विलेन वन बाय डिफॉल्ट है, ये समझ में आ गया। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं। विलेन वन क्या है, वो डिफॉल्ट विलेन है। मैंने यहाँ पर एक विलेन टू बनाया और विलेन थ्री बनाया। ये वाला स्विच आप भूल जाइए, ये वाला जो स्विच है इसको आप भूल जाइए, सिर्फ ये वाला स्विच में आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, पहला वाला स्विच में। अभी विलेन टू का नाम मैंने क्या 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 दिया यहाँ पर, सेल्स, और विलेन थ्री का नाम मैंने क्या दिया, मार्केटिंग, ठीक। तो विलेन सेल्स का आईडी क्या है, टू है। विलेन मार्केटिंग का आईडी क्या है, टू है। मैंने क्या किया, ये जो FA01 एंड FA02 ये बाय डिफॉल्ट किस विलेन का मेंबर होगा, विलेन वन का मेंबर होगा। मैंने क्या किया, ये दो पोर्ट को विलेन वन से हटा के मैंने इसको विलेन टू का मेंबरशिप दे दिया, समझ में आ गया, ठीक है। और FA3 एंड FA4 ये भी विलेन वन का मेंबर होगा, ये दो पोर्ट को विलेन वन से हटा के इसको विलेन थ्री का मेंबरशिप दे दिया, समझ में आ गया। अभी सेल्स पीसी का जो कंप्यूटर होगा उसको पोर्ट नंबर वन और पोर्ट नंबर टू का साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। मार्केटिंग का जो कंप्यूटर होगा उसको पोर्ट नंबर थ्री और पोर्ट नंबर फोर का साथ मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, ये जो दो मैंने विलेन क्रिएट किया, आप मान लीजिए ये दो डिफरेंट स्विच मैंने क्रिएट कर लिया, एक ही स्विच में वर्चुअली स्विच को दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया, समझ में आ रहा है। अभी अगर सेल्स से कोई भी ब्रॉडकास्ट जाएगा तो वो सिर्फ विलेन टू का, मतलब विलेन टू का जितना पोर्ट होगा उसी में वो ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड होगा। यहाँ पर विलेन टू में कितना पोर्ट है, सिर्फ एक पोर्ट है। तो यहाँ से अगर कोई ब्रॉडकास्ट जाएगा वो सिर्फ FA02 में ही जाएगा। कभी भी किसी विलेन का इंफॉर्मेशन दूसरा विलेन में नहीं जाएगा। मतलब आप क्या कर रहे हैं, जब एक विलेन क्रिएट कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट वाइज ऐसा विलेन होता है, और जब विलेन क्रिएट करे तो वो एक कम्प्लीटली एक आइसोलेटेड लैन हो रहा है। आइसोलेटेड मतलब क्या, वो एक सेपरेट लैन आप क्रिएट कर रहे हैं वर्चुअली, एक कम्प्लीटली एक सेपरेट आइसोलेटेड लैन आप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली मार्केटिंग का ट्रैफिक सिर्फ मार्केटिंग में ही रहेगा, सेल्स में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब सेल्स में अगर कोई ब्रॉडकास्ट होता है वो सेल्स में ही रहेगा। पहले क्या होता था, हर किसी का पास पहुंचता था। तो अभी मैंने क्या किया, ब्रॉडकास्ट साइज का जो ब्रॉडकास्ट डोमेन का जो साइज है उसको मैंने छोटा किया कि नहीं, छोटा किया। इसको और एक स्टेप हम लोग फर्दर लेकर चलते हैं। अभी मान लीजिए इसका तो कोई मतलब नहीं है कि सेल्स का जितना भी कंप्यूटर्स होगा सब एक ही स्विच में कनेक्टेड होगा, दूसरा स्विच में भी उसका कुछ पीसी हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर मेरा दूसरा सेकेंड स्विच है, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने दो विलेन बनाया, विलेन टू और विलेन थ्री, FA02 FA03 ये दो पोर्ट को मैंने विलेन टू में डाला है, और FA04 FA05 को मैंने मार्केटिंग में डाला है।
अभी इधर का जो सेल्स पीसी होगा, इधर का सेल्स पीसी का साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए या नहीं? ये तो सेम डिपार्टमेंट में है, होना चाहिए। इसके लिए मुझे स्विच टू स्विच कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्विच टू स्विच मैंने एक लिंक डाल दिया, लेकिन ये जो FS 0/5, अब ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। कहीं भी डाउट होता है तो इमीडिएट आप पूछ सकते हैं यहाँ पर। ये जो विलेन FS 0/5, ये अभी कौन सा विलेन का मेंबर है? विलेन वन का मेंबर है, वेरी गुड। ये FS 0/1 कौन सा विलेन का मेंबर है? विलेन वन का मेंबर है, समझ में आ गया। अगर यहाँ से मैं कोई ट्रैफिक या फिर यहाँ अगर सेल्स डिपार्टमेंट से ये पहला कंप्यूटर से मैं अगर कोई ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिट कर रहा हूँ, तो वो ब्रॉडकास्ट तो इसका पास आएगा, सेकेंड पीसी के पास आ जाएगा जो FS 0/2 में है, लेकिन क्या इसका पास आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो पोर्ट जिस विलेन में है उसी का बीच में वो ट्रैफिक रहेगा, समझ में आ गया। इसीलिए जब हम लोग ये लिंक क्रिएट करेंगे, यहाँ पर एक स्पेशल लिंक हम लोग क्रिएट करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे ट्रंक लिंक। ऊपर में लिखा है ना ट्रंक लिंक। अब ट्रंक लिंक क्या होता है? ट्रंक लिंक मतलब इस पोर्ट को मुझे एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रंक पोर्ट। क्या बोलते हैं? ट्रंक पोर्ट। इस पोर्ट को FS 0/5 और FS 0/1 को मुझे एज अ ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो इसका बीच में जो लिंक होगा उसको हम लोग ट्रंक लिंक बोलते हैं। अब ट्रंक का काम क्या है? ट्रंक पोर्ट, जब हम लोग किसी पोर्ट को ट्रंक करते हैं तो वो किसी विलेन में नहीं होता है, समझ में आ गया। जब हम लोग किसी पोर्ट को ट्रंक करते हैं तो वो पर्टिकुलरली किसी विलेन में नहीं होता है, क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? ओके। अब क्या है ट्रंक पोर्ट का काम क्या है? ट्रंक पोर्ट से वी कैन सेंड मल्टीपल विलेन इंफॉर्मेशन थ्रू दिस ट्रंक पोर्ट। ट्रंक पोर्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं? मल्टीपल विलेन इंफॉर्मेशन हम लोग इस ट्रंक पोर्ट से हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं, समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पीसी से अगर कोई ब्रॉडकास्ट जनरेट होता है तो स्विच का पास गया, स्विच देखा ब्रॉडकास्ट कौन सा पोर्ट में उन्होंने रिसीव किया है, FS 0/1 में। एक चीज यहाँ पर जान लो, ये जो विलेन का कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ स्विच में होता है। सिस्टम को कुछ नहीं पता होता है, कंप्यूटर्स जो होता है, कंप्यूटर्स को विलेन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, सिर्फ स्विच को विलेन के बारे में पता होता है, समझ में आ गया। तो स्विच ने यहाँ से एक ब्रॉडकास्ट सेंड किया, स्विच देखा कौन सा पोर्ट पे ब्रॉडकास्ट आया FS 0/1 में, फिर वो चेक करेगा कि FS 0/1 कौन सा विलेन का मेंबर है, विलेन टू का मेंबर है। अब ये एक ब्रॉडकास्ट है तो बाकी जितना भी पोर्ट होगा उसमें वो फॉरवर्ड करेगा, मतलब ये FS 0/2 में फॉरवर्ड करेगा, प्लस अगर कोई ट्रंक पोर्ट होगा तो ट्रंक पोर्ट में भी उसको फॉरवर्ड कर देगा, समझ में आ गया। ट्रंक पोर्ट से वो इधर आएगा, पहला स्विच से दूसरा स्विच में आएगा, ये स्विच देखेगा कि अच्छा ये जो इन्फॉर्मेशन इस स्विच का पास आया है ये कौन सा पोर्ट में आया है, FS 0/1। अब ये क्या है? ये ट्रंक पोर्ट है, ठीक है। तो ये ट्रैफिक कौन सा विलेन के लिए है ये स्विच को कैसे पता चलेगा, ये दूसरा स्विच है इसको कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये पोर्ट तो मेरा ट्रंक पोर्ट है ना, है कि नहीं? यहाँ पर तो कोई विलेन का इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे पहला स्विच को पता चल गया कि FS 0/1 जो है ये विलेन टू का मेंबर है, तो ट्रंक पोर्ट क्या करता है, जब पहला स्विच दूसरा स्विच को ट्रैफिक ट्रांसमिट करेगा, करने से पहले वो क्या करेगा, जो ट्रैफिक इस पीसी ने जनरेट किया था उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेगा। वो क्या करेगा, जब ट्रंक पोर्ट के थ्रू एक स्विच से दूसरे स्विच तक मेरा ट्रैफिक जाता है, पहला स्विच क्या करेगा, ये कौन सा विलेन के लिए ट्रैफिक है वो विलेन आईडी इंफॉर्मेशन उस फ्रेम में डाल देगा, समझ में आ गया। जब वो पैकेट पहला स्विच से दूसरा स्विच में पहुंचेगा, समझ में आ रहा है, तो ये क्या करेगा, पहला देखेगा ट्रंक पोर्ट में आया है तो इसको पता चलेगा ये किसी विलेन का, मतलब किसी भी विलेन का ट्रैफिक हो सकता है, तो वो क्या करेगा, दोबारा जाके वो विलेन आईडी को पढ़ेगा जो इसने यहाँ पर डाला था, इनकैप्सुलेशन करेगा यहाँ पर, वो यहाँ पर विलेन आईडी इनकैप्सुलेशन करेगा, वो यहाँ पर इनकैप्सुलेशन को क्या करेगा, डी इनकैप्सुलेशन करेगा कि ये जो विलेन आईडी है ये कौन सा विलेन के लिए ट्रैफिक है। तो इन्होंने डाल दिया था ये विलेन टू का ट्रैफिक है,
इसका पास आके वो डी एनकैप्सुलेशन करके इसको पता चल जाएगा सेकेंड स्विच को कि ये विलन टू का ट्रैफिक है। अब वो जाके देखेगा ये एक ब्रॉडकास्ट है विलन टू के लिए है, अब विलन टू में कौन कौन सा पोर्ट है इसको दिखेगा, पोर्ट नंबर टू एंड पोर्ट नंबर थ्री है, तो ब्रॉडकास्ट इधर आ जाएगा। समझ में आ गया? इसी तरह हम लोग मल्टीपल स्विच हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल ट्रांसपोर्ट भी हम लोग लगा सकते हैं, और एक ट्रांसपोर्ट से दूसरा स्विच, दूसरा स्विच से दूसरा ट्रांसपोर्ट में ऐसे हम लोग ट्रैफिक मल्टीपल स्विच में फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। और वर्चुअली क्या क्या कर सकते हैं, जो पहले एक सिंगल लैन में था उसको हम लोग मल्टीपल वीलैन में एज पर द डिपार्टमेंट हम लोग उसको वर्चुअली डिवाइड भी कर सकते हैं। तो अगर सेल्स का कुछ ब्रॉडकास्ट होगा तो ये सारा पीसी, ये दो पीसी और ये दो पीसी का बीच में रहेगा। मार्केटिंग का कोई कुछ ब्रॉडकास्ट होगा तो सिर्फ मार्केटिंग का डिपार्टमेंट में जो होगा उन्हीं का बीच में रहेगा जो विलन होगा। समझ में आ गया ना विलन क्या है? ओके अभी क्या है, अभी थोड़ा सा बोल के मैं नेक्स्ट दिन में कंटिन्यू करूँगा। ये जो ट्रंक लिंक करते हैं, जो ट्रंक पोर्ट हम लोग कन्फिगर करते हैं, ट्रंक पोर्ट कन्फिगर करने के लिए हम लोग दो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। एक है ISL जिसका नाम है इंटर स्विच लिंक, एक सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, और दूसरा है 802.12। आज जान लीजिए ये ISL जो प्रोटोकॉल है इसको अभी और पढ़ने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मार्केट से ऑब्सोल्यूट हो गया है। अभी जितना भी स्विच है चाहे वो सिस्को हो या नॉन सिस्को स्विच हो, जितना भी मतलब स्विचेस है जहाँ पर हम लोग विलन का कॉन्सेप्ट मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं, हर एक स्विच में जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो है 802.12। ठीक है, ये IEEE का एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो हर एक स्विच पे यूज़ होता है। अब ये प्रोटोकॉल कैसे काम करता है ये हम लोग का नेक्स्ट डिस्कशन रहेगा। ठीक है, चलो।